हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीटी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट जोन 2011 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन। कॉम्प्लेक्स का ये अपना लास्ट लेक्चर है क्योंकि हमने 23 से स्टार्ट किया था और अपना 2011 टू 2023 आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जाकर के चेक करना, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा 2011 टू 2023। सभी के सभी क्वेश्चन पेपर्स वहाँ पे सॉल्व मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आज का अपना ये लास्ट लेक्चर है जून 2011 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। टोटल क्वेश्चन आपके कितने आए थे? 7 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से पार्ट बी के आपके 2 क्वेश्चन थे एंड पार्ट सी के आपके 5 क्वेश्चन थे। लिनियर अलजेब्रा भी हमने कंप्लीट कर लिया है। रियल एनालिसिस का सिर्फ 1 या 2 लेक्चर आपका रहता है, वो भी आपका आज या कल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और थ्योरी के साथ साथ हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्योंकि हमने देखिए पिछले क्वेश्चन पेपर हमने कंप्लीट कर लिए हैं कॉम्प्लेक्स, रियल और लिनियर अलजेब्रा के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, थ्योरी स्टार्ट करेंगे और थ्योरी के साथ साथ ही हम क्वेश्चनों को रिवाइज करते जाएंगे कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है और किस टाइप का क्वेश्चन आया है। ओके, तो टेलीग्राम चैनल भी है मेरा पीडी टेक मैथ के नाम से ही, इसको आप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्ट बी में से आपके 2 क्वेश्चन आए हैं, पार्ट सी में से आपके 5 क्वेश्चन आए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका है पार्ट बी का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लेट एफ फ्रॉम सी टू सी बी ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, सपोज दैट वी एक्स वाई इज इक्वल टू 3x² y। ठीक है, हमें एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है और जिसमें से जो इमेजनरी पार्ट है वो हमें दे दिया 3x² y। देन फर्स्ट इज एफ कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन सी फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वी। हम किसी फंक्शन को होलोमॉर्फिक कब बोलते हैं, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो उसको हम होलोमॉर्फिक कब बोलते हैं। देखिए आपके पास रिजल्ट क्या है कि एफ इज़ होलोमॉर्फिक इफ़ एंड ओनली इफ़ यू एंड वी आर होलोमॉर्फिक। ओके, और होलोमॉर्फिक होने का क्या मतलब है कि वो लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना, लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब लैपलेस इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं यू की लैपलेस इक्वेशन की बात करूँ, देन यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0 एंड वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है, लैपलेस इक्वेशन ऑफ यू एंड वी। तो अब हमें क्या चेक करना है कि हमें वी दिया हुआ है तो हम ये चेक कर लेते हैं क्या वी होलोमॉर्फिक है। ठीक है, तो वहीं से हमें पता चल जाएगा, अगर वी होलोमॉर्फिक नहीं हुआ तो एफ कभी भी होलोमॉर्फिक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। तो हम वी को चेक कर लेते हैं सबसे पहले, वहीं से अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो वी ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या है, वी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x² y। देन पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 6xy, अगेन पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 6y। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक है ना, यही दिया हुआ है ना आपको क्वेश्चन में 3x² y। ओके, तो उसके बाद देखिए एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y इज 3x² एंड अगेन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y इज 0। तो यहाँ से क्या आएगा, वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई, अगर मैं दोनों को ऐड करूँ देन 6y + 0 इज 6y, और ये आपका कभी भी 0 नहीं होगा फॉर ऑल y नॉन जीरो। ठीक है, जब जब आपका y नॉन जीरो होगा तो वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ ये जब 0 होगा तब जब आपका y 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है, वी इज़ नॉट होलोमॉर्फिक, है ना, वी इज नॉट होलोमॉर्फिक, क्योंकि इसने लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया।
अगर ये लैपलेस इक्वेशन को होलोमोर्फिक होता तो ये लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। अब अगर वी होलोमोर्फिक है तो एफ कभी भी होलोमोर्फिक नहीं हो सकता। एफ कैन नॉट बी ए होलोमोर्फिक फंक्शन, होलोमोर्फिक फंक्शन फॉर एनी चॉइसिस ऑफ वी। ओके यू तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, एफ कैन नॉट बी होलोमोर्फिक ऑन सी फॉर एनी चॉइसिस ऑफ वी यू, तो बिल्कुल फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। अदर थ्री ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पावर सीरीज, ये भी आपका पार्ट बी का क्वेश्चन है। द पावर सीरीज एन जीरो टू इन्फिनिटी टू रेज टू द पावर माइनस एन जेड रेज टू द पावर टू एन कन्वर्ज इज इफ मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू टू, सेकेंड मोड ऑफ जेड इज लेस देन टू, थर्ड मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ टू, फोर्थ इज मोड ऑफ जेड इज लेस देन स्क्वेयर रूट ऑफ टू। अब आपने है ना जो पावर सीरीज आपने जो रीड किया होगा तो वो इस टाइप से किया होगा कि ए एन जेड रेज टू द पावर एन है ना, एन जीरो टू इन्फिनिटी। तो हम क्या कर लेते हैं ना इसको भी इसी फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं ताकि आप इजिली समझ सको इसको, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पे जेड रेज टू द पावर टू एन दे दिया बट हमने तो क्या रीड किया था कि जेड रेज टू द पावर एन। हम इसको इसी फॉर्म में बना लेते हैं। आप यहाँ पे क्या पुट कर दीजिए, जेड रेज टू द पावर टू को टी पुट कर लीजिए, पुट जेड रेज टू द पावर टू इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एन जीरो टू इन्फिनिटी टू रेज टू द पावर माइनस एन एंड यहाँ से क्या आएगा टी रेज टू द पावर एन, ठीक है। तो यहाँ से अब ए एन आपके पास क्या आ गया, ए एन इज इक्वल टू टू रेज टू द पावर माइनस एन। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, जो पावर सीरीज है वो कब कन्वर्ज करती है, द पावर सीरीज ए एन जेड एन इज कन्वर्ज इज फोर मोड ऑफ जेड इज लेस देन आर। तो आर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। आर कैसे फाइंड आउट करते हो, वन बाई आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन प्लस वन अपॉन मोड ऑफ ए एन, ठीक है। यहाँ तक हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन रेज टू द पावर वन बाई एन। तो यहाँ पे जो आर है ये आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे ये अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि टू रेज टू द पावर माइनस एन है तो एन से एन कैंसिल कर सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे देखिए वन बाई आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, आपको जो भी इसमें से अच्छा लगे आप कर सकते हो अप्लाई, देन टू रेज टू द पावर माइनस एन और यहाँ पे ये आ जाएगा, देन दिस इज वन बाई टू, ठीक है। दिस इम्प्लाइज आर यहाँ से क्या आ गया आपके पास, टू है ना। तो मैंने क्या कहा था कि दिस सीरीज इज कन्वर्जिस फॉर इफ मोड ऑफ जेड इज लेस देन आर, है ना, ये कहा था। बट हमने तो यहाँ पे टी में चेंज कर रखी है ना, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए दिस सीरीज इज कन्वर्जिस इफ मोड ऑफ टी इज लेस देन आर, आर आपके पास क्या है टू है। तो यहाँ से क्या आ गया, मोड ऑफ टी इज लेस देन टू और टी आपके पास क्या है, जेड स्क्वेयर इज लेस देन टू एंड मोड ऑफ जेड इज लेस देन स्क्वेयर रूट ऑफ टू, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, फाइनल आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ से कौन सा आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन है ना, फोर्थ ऑप्शन आएगा ना यहाँ से, ठीक है। अगर हम इसकी बाउंड्री पे चेक करें तो क्या आएगा, देखिए अगर मैं इसकी बाउंड्री पे चेक करने लगूँ, यानी कि अगर मैं जेड इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ टू पे चेक करूँ तो क्या आएगा यहाँ से, एक मिनट रुकेंगे,
देखिए अगर मैं इसकी बाउंड्री पे चेक करूँ, ये तो ठीक है कि लेस देन स्क्वायर रूट टू के लिए तो आ गया है ना। अगर मैं इसकी बाउंड्री के लिए चेक करूँ तो यहीं पे कर लेते हैं, देखो क्या आएगा, 4 z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सीरीज आपके पास बनेगी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू द पावर माइनस n एंड 2 रेज टू द पावर n। तो ये आपके पास क्या आ गया, सीरीज 1 n 0 टू इन्फिनिटी। तो ये तो आपके पास कन्वर्ज नहीं करती, ये तो आपके पास डाइवर्जेंट है। बिकॉज अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट होती तो जो इसकी nth टर्म है वो आपकी 0 की तरफ टेंड करती एज n टेंड टू इन्फिनिटी। बट यहाँ पे तो जो nth टर्म है वो 1 की तरफ टेंड करेगी, है ना। तो यहाँ से आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। मैंने इसकी बाउंड्री पे क्यों चेक किया, क्योंकि अगर ये स्क्वायर रूट 2 पे भी आपकी ये कन्वर्ज करती तो आपका थर्ड ऑप्शन आता, है ना। तो अब आपका क्या आया, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी इज, ये आपका पार्ट सी का क्वेश्चन है, क्योंकि पार्ट बी में आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आई थी। लेट डी इज द, ओके डी आपके पास क्या है, ओपन यूनिट डिस्क, इज द ओपन यूनिट डिस्क, क्योंकि डी के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स दिए हैं, सच दैट मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1। बाउंड्री यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ओपन यूनिट डिस्क है। विद द यूनिट डिस्क, ओके, लेट एफ फ्रॉम डी टू सी बी एन एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ 1 बाई एन इज इक्वल टू 2n बाई 3n प्लस 1 फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन। यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक है ना, फंक्शन एनालिटिक है। तो अब देखिए एफ ऑफ 1 बाई एन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 बाई एन इज इक्वल टू 3n बाई 3n प्लस 1, ठीक है। देन अगर मैं 1 बाई एन की जगह पे जेड पुट करूँ, पुट 1 बाई एन इज इक्वल टू जेड, देन दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ये 2n है, सॉरी 2n, देन दिस इज 2 बाई जेड अपॉन 3 बाई जेड प्लस 1, ओके, एंड दिस इज 2 बाई 3 प्लस जेड। तो फंक्शन आपके पास ये आ गया, है ना। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूँ, देन फर्स्ट क्या है, एफ ऑफ 0 इज 2 बाई 3, तो यहाँ पे पुट कीजिए जेड की जगह 0, देन एफ ऑफ 0 क्या आएगा, इज 2 बाई 3 प्लस 0 इज 2 बाई 3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सेकंड में क्या कहा कि एफ हैज ए सिंपल पोल एट जेड इज इक्वल टू माइनस 3। पोल के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कीजिए एफ ऑफ जेड आपके पास क्या आया हुआ है, 2 बाई 3 प्लस जेड, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, देन दिस इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। माइनस 3 आपके पास क्या आ गया, पोल, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये सिंपल पोल है, तो देखिए लिमिट जेड टेंड टू माइनस 3 इज जेड प्लस 3 इंटू एफ ऑफ जेड। अब एफ ऑफ जेड क्या है, लिमिट जेड टेंड टू माइनस 3 जेड प्लस 3 एंड 2 बाई 3 प्लस जेड, तो ये कैंसिल हो गया, इधर क्या आ गया 2, और ये आपकी एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो माइनस 3 है ये आपके पास क्या है, दिस इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू माइनस 3 इज ए सिंपल पोल। सिंपल पोल मीन्स ऑर्डर 1 का, है ना। तो ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। थर्ड में क्या कहा, एफ ऑफ 3 इज 1 बाई 3, पुट कीजिए जेड की जगह पे 3, देन दिस इज 2 बाई 3 प्लस 3 2 बाई 6 यानी कि 1 बाई 3। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसने कहा नो सच फंक्शन एग्जिस्ट, बट यहाँ पे तो फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है, क्या एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 बाई 3 प्लस जेड, ओके, देन फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ पार्ट सी, देखिए जून 2011 में है ना बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, मेरे को तो लगा नहीं कि एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा होगा कि आप उसको हैंडल ना कर सको, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पार्ट सी का है,
फोर्थ क्वेश्चन है, लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन इफ रियल पार्ट ऑफ एफ इज बाउंडेड. रियल पार्ट ऑफ एफ इज बाउंडेड का क्या मतलब है कि यू इज बाउंडेड, है ना. देखिए इसने क्या कहा कि जो एफ फंक्शन है वो है एंटायर, ओके. जो फंक्शन है वो एंटायर है एंड रियल पार्ट ऑफ एफ इज बाउंडेड, मतलब कि यू है जो, यू इज बाउंडेड. अगर यू बाउंडेड है दिस मीन्स मोड ऑफ यू इज लेस इक्वल टू एम, ठीक है. देन फर्स्ट इज इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ इज कॉन्स्टेंट, सेकेंड इज एफ इज कॉन्स्टेंट, थर्ड इज एफ इज आइडेंटिकली जीरो, फोर्थ इज एफ इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट. तो देखिए आपके पास है ना दो रिजल्ट होते हैं, उन्हीं का यूज हम यहाँ पे करेंगे. इफ एफ ऑफ जेड इज एंटायर, इफ एफ ऑफ जेड इज एंटायर देन ई रेज टू द पावर एफ ऑफ जेड इज ऑल्सो एंटायर फर्स्ट. एंड सेकेंड आपके पास क्या है, बाय लिवोलीज थ्योरम एनी एंटायर बाउंडेड फंक्शन, अगर कोई भी एंटायर बाउंडेड फंक्शन है देन दिस इंप्लाइज एफ इज कॉन्स्टेंट. तो जो फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो एफ फंक्शन है वो एंटायर है, हम इसको है ना ये प्रूफ कर लेते हैं कि ये फंक्शन बाउंडेड भी है. देन बाय लिवोलीज थ्योरम हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन एफ होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, है ना. देन देखिए सॉल्यूशन क्या है, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, है ना. और हमें दिया हुआ है कि जो रियल पार्ट है वो क्या है, बाउंडेड है, है ना. यानी कि यू आपके पास क्या है, बाउंडेड फंक्शन है. मोड ऑफ यू इज लेस देन इक्वल टू एम, है ना. अब हम यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन कंसीडर करते हैं. नाउ लेट जी ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एफ ऑफ जेड, ठीक है. अब हमें पता है कि जो एफ फंक्शन है वो एंटायर है, देन ई रेज टू द पावर एफ ऑफ जेड भी क्या होगा, एंटायर होगा. जो हमने रिजल्ट राइट डाउन किया था उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज जी ऑफ जेड इज ऑल्सो एंटायर बिकॉज एफ इज एंटायर फंक्शन, ओके. तो यहाँ से जी आपके पास एंटायर हो गया, है ना. देन मोड ऑफ जी ऑफ जेड क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ जी ऑफ जेड अगर मैं करूँ देन दिस इज ई रेज टू द पावर मोड ऑफ एफ ऑफ जेड, या फिर आप ये कर सकते हो कंप्लीट के ही मोड आप लगा लीजिए यहाँ पे, ओके. एंड दिस इज ई रेज टू द पावर यू प्लस आयोटा वी एंड दिस इज ई रेज टू द पावर यू इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा वी एंड दिस इज ई रेज टू द पावर यू इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा वी एंड वी नो दैट ई रेज टू द मोड ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इज वन देन दिस इज मोड ऑफ ई रेज टू द पावर यू, है ना. एंड वी नो दैट मोड ऑफ यू इज लेस देन इक्वल टू एम देन दिस इम्प्लाइज इज लेस देन ई रेज टू द पावर एम, ओके. तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ जी ऑफ जेड इज लेस देन ई रेज टू द पावर एम देन दिस इम्प्लाइज जी ऑफ जेड इज बाउंडेड. अब यहाँ से देखिए अगर जी ऑफ जेड बाउंडेड है देन दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड इज ऑल्सो बाउंडेड, ओके. देन बाय सेकेंड रिजल्ट दिस इम्प्लाइज बाय सेकेंड रिजल्ट आपका क्या लिखवाया है मैंने, या फिर ये बोल सकते हो कि बाय लिवोलीज थ्योरम. बाय लिवोलीज थ्योरम क्या आ जाएगा, एफ एंटायर प्लस बाउंडेड देन दिस इम्प्लाइज एफ इज कॉन्स्टेंट, ओके. तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा,
सेकंड है एफ इज़ कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। एंड अगर एफ आपके पास कांस्टेंट है तो इसका इमेजिनरी पार्ट भी कांस्टेंट होगा। फर्स्ट भी आपका बिल्कुल सही है। थर्ड में क्या कहा कि आइडेंटिकली जीरो, ये तो सही नहीं है। ज़रूरी तो नहीं कि अगर वो कांस्टेंट है तो वो जीरो के इक्वल ही होगा। थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है एफ इज़ नॉन जीरो कांस्टेंट। फोर्थ में क्या कहा इसने कि एफ इज, एक मिनट, आपके पास जो एफ ऑफ जेड आया है वो क्या आया है, देखिए एफ ऑफ जेड जो आया है, जी ऑफ जेड कांस्टेंट आया था ना, तो जी ऑफ जेड अगर कांस्टेंट आया था हमने उसको ये मान लिया, देन ई रेस टू द पावर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए, और ये डैश है यहाँ पे, देन एफ ऑफ जेड यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ए। देन अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो ये क्या आएगा, जीरो। लेकिन फोर्थ में इसने कहा कि एफ डैश इज़ नॉन जीरो कांस्टेंट, बट एफ जीरो, तो एफ डैश आपके पास जीरो आएगा, तो फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट है, ये एफ डैश है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये भी आपका पार्ट सी का है। लेट एफ फ्रॉम डी टू डी बी होलोमॉर्फिक विद एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन बाई टू एंड एफ ऑफ वन बाई टू इज जीरो वेयर डी इज एन यूनिट डिस्क, यहाँ पे क्लोज्ड यूनिट डिस्क है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे जो सुचवार्स लेमा है ना, उसी की एक कोरोलरी है, या फिर वो हम बोल सकते हैं कि ओके उसी की कोरोलरी हम यूज करेंगे। क्या है उसको लिख लीजिए पहले, कि मोड ऑफ एफ डैश जेड इज लेस देन इक्वल टू वन माइनस मोड ऑफ एफ ऑफ जेड स्क्वेयर अपॉन वन माइनस मोड ऑफ जेड स्क्वेयर, ये आपकी स्वार्ज लेमा की कोरोलरी ही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो हमें फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पे निकालिए एफ डैश जीरो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू वन माइनस मोड ऑफ एफ ऑफ जीरो स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वन माइनस जीरो स्क्वेयर, देन दिस इज वन माइनस एफ ऑफ जीरो क्या है वन बाई टू, देन वन बाई फोर अपॉन वन, एंड दिस इज ये आपके पास क्या आ जाएगा थ्री बाई फोर है ना, थ्री बाई फोर। देन दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ एफ डैश जीरो इज लेस देन इक्वल टू थ्री बाई फोर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड में क्या कहा कि एफ डैश वन बाई टू, एफ डैश वन बाई टू निकालिए क्या आएगा, मोड ऑफ एफ डैश वन बाई टू सेकेंड में इज लेस देन इक्वल टू वन माइनस मोड ऑफ एफ ऑफ वन बाई टू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वन माइनस वन बाई टू स्क्वेयर, एंड दिस इज एफ ऑफ वन बाई टू आपके पास जीरो है, देन वन माइनस जीरो अपॉन वन माइनस वन बाई फोर, एंड दिस इज वन अपॉन थ्री बाई फोर, एंड दिस इज फोर बाई थ्री। ठीक है, सेकंड में देखिए यही है क्या, ओके यही है, तो सेकंड भी आपका बिल्कुल सही है। थर्ड में क्या दिया है, फर्स्ट और सेकंड का ही लीनियर कम्बिनेशन दे दिया इसने कि एफ डैश जीरो इज लेस देन इक्वल टू थ्री बाई फोर एंड एफ डैश वन बाई टू इज लेस देन फोर बाई थ्री, तो थर्ड भी आपका बिल्कुल सही है। फोर्थ में क्या कहा कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू जेड ले लूँ तो क्वेश्चन में क्या है, एफ जीरो इज वन बाई टू, क्या एफ ऑफ जीरो आपका वन बाई टू के इक्वल आएगा, नहीं, एफ ऑफ जीरो तो जीरो के इक्वल आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू वन बाई टू। ओके, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये भी क्वेश्चन आपका करवाया है पिछले लेक्चर में, इस टाइप का ही था बिल्कुल। ये आपके पास क्या है, दिस इज अपर हाफ प्लेन, ओके अपर हाफ प्लेन, एंड दिस इज लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, एंड दिस इज ये आपके पास क्या है राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, एंड दिस इज लेफ्ट हाफ प्लेन। अगर मैं इनके फिगर ड्रॉ करूँ तो फिगर आपके ये बनेंगे, देखिए फर्स्ट के लिए फिगर आपका जो बनेगा अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन मीन्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो,
वाई ग्रेटर देन जीरो आपका यहाँ पे होगा, एंड सेकंड आपका है लोअर हाफ प्लेन, यानी कि वाई इज़ लेस देन जीरो, वाई लेस देन जीरो आपका इधर होगा, एंड थर्ड आपका है राइट हाफ प्लेन, एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो आपका ये होगा, ओके, एंड लास्ट आपका है लेफ्ट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन में क्या है एक्स इज़ लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो आपका ये है, ओके. तो ये है आपके पास अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन एंड लेफ्ट हाफ प्लेन. ठीक है, ये आपके पास क्या दे दी, एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप की, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी. और आपके पास एक रिजल्ट होता है कि अगर आपके पास एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, अगर आपके पास ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है विद कंडीशन ए डी माइनस बी सी इज ग्रेटर देन जीरो, देन अपर हाफ, देन मैप्स अपर हाफ प्लेन टू अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन टू लोअर हाफ प्लेन. ठीक है, तो आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है क्या है आपके पास, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन क्या है थ्री जेड प्लस वन, थ्री जेड प्लस वन. अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ देन ए इज इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू थ्री एंड डी इज इक्वल टू वन, देन ए डी माइनस बी सी क्या आएगा यहाँ से इज वन माइनस जीरो, दिस इज़ वन विच इज़ ग्रेटर देन जीरो. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एफ है वो एच अपर हाफ प्लेन टू अपर हाफ प्लेन मैप करेगा एंड लोअर हाफ प्लेन टू लोअर हाफ प्लेन मैप करेगा. ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का, क्योंकि जून 2011 में आपके 7 क्वेश्चन ही आए थे पार्ट सी. ठीक है, क्या है, एट जेड इज इक्वल टू जीरो द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू ई जेड प्लस वन अपॉन ई जेड माइनस वन हैज़ ए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, सेकंड ए पोल, थर्ड एन एसेंशियल सिंगुलैरिटी एंड फोर्थ इज द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जीरो इज टू. तो देखिए जब हम पोल फाइंड आउट करते हैं तो हम डिनोमिनेटर को जीरो को इक्वल रखते हैं, देन ई रेज टू द पावर जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देन ई रेज टू द पावर जेड इज इक्वल टू वन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन वन कहाँ पे देता है, देन ई रेज टू द पावर टू एन पाई आयोटा. अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ देन जेड इज इक्वल टू टू एन पाई आयोटा एंड एन इन द सेट ऑफ इंटीजर. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गई, ये सारे के सारे क्या है, पोल सिंगुलैरिटी है. देन सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, एंड थर्ड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. फोर्थ में क्या कहा, द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जीरो, रेजिड्यू फाइंड आउट कीजिए. जब आप यहाँ पे रेजिड्यू फाइंड आउट करोगे देन लिमिट जेड टेंड टू जीरो इज जेड इन टू ई रेज टू द पावर जेड प्लस वन अपॉन ई रेज टू द पावर जेड माइनस वन. तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म. देन बाय लोपिटल रूल लिमिट जेड टेंड टू जीरो, यहाँ पे कीजिए जेड ई रेज टू द पावर जेड प्लस जेड का वन हो जाएगा ई रेज टू द पावर जेड प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर जेड. अब यहाँ पे जीरो पुट कीजिए देन दिस इज टू बाय वन एंड टू. ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है. ओके, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका 2011 टू 2023 तक का कंप्लीट हो चुका है. अब हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे इसकी. ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी. ठीक है, इसके बाद रियल एनालिसिस का आपका सिर्फ एक लेक्चर रहता है. रियल एनालिसिस भी आपका 2011 टू 2023 तक का बस कल कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो चुका है.
लीनियर अलजेब्रा भी आपका कंप्लीट हो चुका है 2011 टू 2023, ठीक है। देखिए जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर था वो 2011 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन 2011 से पहले जो आपके पेपर होते थे ना CSIR नेट के, वो आपके क्या होते थे, सब्जेक्टिव टाइप पेपर होते थे, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आफ्टर और बिफोर की, ठीक है, देखिए अगर मैं कहूँ बिफोर 2010, ठीक है, एंड आफ्टर 2010, देखिए 2010 के बाद आपके पेपर होने लग गए थे ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, लेकिन 2010 से पहले आपके जो पेपर होते थे वो होते थे सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमने ये तो कंप्लीट कर लिए, ठीक है, लेकिन 2010 का ही हमें सिर्फ पेपर मिला है जो कि सब्जेक्टिव टाइप है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि हमें कोई पेपर नहीं मिले, लेकिन हाँ उससे पहले आपके सब्जेक्टिव ही होते थे, ठीक है। तो आप ये कंप्लीट कर लेना 2011 टू 2023। और अभी जो HPSC ने जो नोटिस निकाला है ना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी जाने वाली है, उसमें उसने सब्जेक्टिव पेपर रख दिया, तो ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करो, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं CSIR नेट के हो, गेट के हो, तो वो आप है ना सारे रिवाइज करके जाना ऑब्जेक्टिव के लिए, वो काफ़ी हेल्पफुल वहाँ पे प्रूफ हो गए, ठीक है। तो अगर सब्जेक्टिव की बात आती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, NBHM के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप देख सकते हो, और CSIR का तो लिखा हमें सिर्फ 2010 का ही मिला है, उससे पहले के हमें नहीं मिले, ठीक है। लेकिन हाँ NBHM का हो गया, TIFR का हो गया, वैसे वो तो बिल्कुल हाई लेवल के हो जाते हैं, ठीक है, शायद इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं आएगा, लेकिन अगर हम वो कर लेते हैं ना तो उससे नीचे वाला तो अपने आप ही अपना कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट मंथ अपना स्टार्ट होगा वहाँ से हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ओके। देन थैंक यू सो मच।